हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हम देखेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या देख रहे हैं हम? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी बोल सकते हैं, या तो उसको बोल सकते हैं ग्लोमेरुलोपैथी भी बोल सकते हैं, यानी ग्लोमेरुलस में डिसीज हो जाना। तो हम क्या देख रहे हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? ऐसे डिसीज को ग्लोमेरुलोपैथी भी बोल सकते हैं, या तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम। क्या बोल सकते हैं इसको? नेफ्राइटिक, क्योंकि ग्लोमेरुलस में क्या होते हैं, दो प्रकार के सिंड्रोम होते हैं कि आपके नेफ्रॉन्स में होने वाले। एक होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम और एक होता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो जो ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस होता है वो क्या होता है, इसके नाम में ही नेफ्राइटिक या नेफ्राइटिस है, यानी नेफ्राइटिक सिंड्रोम, यानी न्यूरॉन्स के जो नेफ्रॉन्स में होने वाला सिंड्रोम यानी डिसीज। जब कोई भी नेफ्रॉन्स में या नेफ्रॉन का लॉस हो जाना या नेफ्रॉन की कंडीशन बिगड़ जाना या इंजरी हो जाना, इस कंडीशन में क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। अब जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, यह है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सीकेडी। सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज, ये कॉमनेस्ट कॉज है, यानी सबसे ज्यादा कॉमनली ये क्रॉनिक किडनी डिसीज जो होती है, यानी जो किडनी डिसीज है ये सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है। इसके कारण क्या होती है, किडनी डिसीज सबसे ज्यादा इसके कारण ही होती है। थर्ड मोस्ट कॉमन डिसीज ये वर्ल्ड में, यानी पूरे यूनिवर्स में ये थर्ड मोस्ट कॉमन डिसीज है, ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, यानी हर तीसरे इंसान को होने वाली डिसीज है। सर थर्ड मोस्ट कॉमन डिसीज है ये पूरी दुनिया में, मोस्ट कॉमन इन मेल, ये मेल्स में यानी पुरुषों में सबसे ज्यादा होने वाली डिसीज है, मोस्ट कॉमन है मेल्स में रेदर देन फीमेल, यानी फीमेल के अपेक्षा जो मेल में सबसे ज्यादा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की डिसीज होती है। अब भाई इसके बारे में हम जानेंगे कि भाई ये डिसीज क्यों होती है। हमने देखा था, मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने, उसकी हमने हिस्टोलॉजी देखा, उसकी फिजियोलॉजी देखा, एक एक पार्ट्स के बारे में हमने उसकी स्टडी करी। अब क्या देख रहे हैं हम, यूरिनरी सिस्टम में हम देख रहे हैं इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स देख रहे हैं ना, यानी इसमें क्या क्या डिसीजेस, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें देख रहे हैं हम। और आज हम, इसके पहले मैंने आपको बताया है क्रॉनिक किडनी डिसीज के बारे में, या सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, क्रॉनिक किडनी डिसीज यानी कि ऐसे डिसीज जो लंबे समय तक चलने वाली डिसीज को बोलते हैं क्रॉनिक, उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा। और इस वीडियो में हम देखेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि भाई अब यूरिनरी सिस्टम का मैंने आपको बारे में बता दिया हूं कैसे कैसा होता है। अब हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम में जितनी भी डिसीजेस होती हैं, तो मोस्ट कॉमनली डिसीज जो यूरिनरी सिस्टम में होती है और जो ज्यादा चर्चे में जो है डिसीज, वैसे डिसीजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे डे बाय डे। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि मोस्ट कॉमन डिसीज है, ये जो क्रॉनिक डिसीज किडनी में होने वाली सबसे कॉमन डिसीज है, ये लंबे समय तक चलने वाली और मोस्ट कॉमन है पूरे वर्ल्ड में। थर्ड नंबर पे ये डिसीज, मतलब तीसरे नंबर पे मोस्ट कॉमन डिसीज होती है, ये होती है और मोस्ट कॉमन इन मेल, और पुरुषों में सबसे ज्यादा कॉमन है ये डिसीज होने वाली, ठीक है। अब इसके भी दो प्रकार है क्रॉनिक जो ये डिसीज है, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसके भी दो टाइप्स है, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। क्या होता है भाई, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। अब मैंने इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ कि एक्यूट और क्रॉनिक कैसा होता है। अब भाई एक्यूट जो होता है, एक्यूट यानी कि जल्दी हील होने वाली डिसीज, यानी कुछ समय पे शॉर्ट पोर्शन में, यानी स्मॉल ड्यूरेशन में, कुछ समय में जल्दी ठीक होने वाली डिसीज को बोलते हैं एक्यूट, यानी कि 3 महीने या 4 महीने से कम समय लेने वाली डिसीज है ना, 3 महीने में ठीक हो जाए, 4 महीने में ठीक हो जाए, इस तरीके की डिसीज जो होती है एक्यूट के अंदर आती है ना। ये जो टर्म है एक्यूट, यानी कि भाई 3 महीने या 4 महीने तक चलने वाली डिसीज और फिर हील हो जाने वाली, क्योर हो जाने वाली डिसीज को बोलते हैं एक्यूट डिसीज। और एक होती है भाई आपकी क्रॉनिक। क्रॉनिक क्या बता चुका हूँ मैं आपको, पहले बता चुका हूँ क्रॉनिक यानी लंबे समय तक, यानी कि जब तक आप जिंदा हो, या लंबे 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल, एक एक दो दो तीन तीन साल चलने वाली डिसीज को बोलते हैं क्रॉनिक डिसीज, यानी भाई लंबे समय तक चलने वाली डिसीज होती है। तो इसके भी दो टाइप्स हैं, एक होता है क्रॉनिक और एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक, इस तरीके से। अब इनके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं भाई, मैंने आपको बता दिया इसकी थोड़ी बहुत एटियोलॉजी इसकी है ना, कि भाई किस तरीके से ये वर्ल्ड में किस तरीके से फैला हुआ है ना, एपिडेमियोलॉजी बताया किस तरीके से वर्ल्ड में फैला हुआ है ये, है ना, और मोस्ट कॉमन है मेल्स में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद मैंने आपके इसके दो टाइप्स बताया, इसके मेन टाइप्स हैं इसके एक्यूट और क्रॉनिक, है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे मोस्ट कॉमन कॉज, यानी कि क्या ऐसे कॉजेज है, मोस्ट ऐसे क्या कॉमन कॉजेज होते हैं जिनके कारण भाई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है।
हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, मैं कहीं बीच में से कहीं उधर का इधर का नहीं बता रहा हूँ आपको, है ना। मैंने आपको पहले इसकी एपिडेमियोलॉजी बताया, एपिडेमियोलॉजी के बाद हमने इसके हम देखेंगे किस तरीके से ये होता है ना, एटियोलॉजी देखेंगे इसकी। तो एटियोलॉजी क्या है भाई, इसकी जो इन्फेक्शन, ये किसके कारण होता है, या तो इन्फेक्शन के कारण होता है। इन्फेक्शन कौन सा, एक कॉमन इन्फेक्शन है स्ट्रेप थ्रोट, स्ट्रेप थ्रोट या सोर थ्रोट भी बोल सकते हैं इसको, स्ट्रेप थ्रोट भी बोलते हैं ना, जिसकी कभी कभी गले में खट्टा खट्टा लगता है ना, गले में खट्टा खट्टा लगना, सॉफ्ट पैलेट में थोड़ा सा सेंसेशन होना, अजीब सा लगना गले में, लगता है ना, खिलाता नहीं है, आपकी जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स रहते हैं ना, जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि पीछे लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, ये क्या होता है, स्वेल हो जाना है ना आपका, जो ग्लैंड्स के पीछे ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स है ना, ये स्वेल हो जाना, इस तरीके से क्या होता है, ये डिसीज स्ट्रेप थ्रोट में होती है। ठीक है, खट्टा खट्टा लगता है ना गला, इन्फेक्शन हो जाना, और फिर बुखार, टॉन्सिल्स के पीछे जो रहता है ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स, उनका स्वेल हो जाना, तो उसमें क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, पर हम क्योंकि इसके बारे में हम और डीप में जाएंगे तो आपको फिर मैं सारी चीज़ें पॉइंट वाइज क्लियर करूँगा, पर थोड़ा थोड़ा हम इसको सेगमेंट क्लियर करते जाएंगे, ताकि आप जब वो मेन जब टॉपिक पढ़ो तो आप एकदम से भौचक के ना रह जाओ कि भाई क्या पढ़ा दिया है। ठीक है, तो स्ट्रेप थ्रोट में क्या होता है कि आप समझ लो कि जैसे कि आपको स्ट्रेप थ्रोट हुआ, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है ना, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए। एंटीबॉडीज का काम क्या होता है भाई, कोई भी अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो तो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट सम फॉरेन बॉडी। एंटीबॉडी का मतलब क्या है, अगेंस्ट सम फॉरेन बॉडी, यानी कोई भी ऐसी फॉरेन बॉडी अगर आई आपकी, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई, ये मोस्ट कॉमन जो डिसीज है स्ट्रेप थ्रोट की, यानी सोर थ्रोट की, होता है स्ट्रेप्टोकोकाई, बैक्टीरियम के कारण होता है ना, स्ट्रेप्टोकोकाई जो कोकस शेप का होता है, इस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, स्ट्रेप थ्रोट होता है आपको। और जब ये स्ट्रेप्टोकोकाई आपके बॉडी में आता है, प्रवेश करता है, एंटर करता है, तो क्या बॉडी क्या करती है, अपना खुद का इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करती है ना, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। अब जब बॉडी खुद का इम्यून सिस्टम भी प्रोड्यूस करेगी तो एंटीबॉडीज अपने आप बनने लग जाएगी आपकी बॉडी में, और जब एंटीबॉडीज बनने लग जाती है ये क्या करती है, स्ट्रेप्टोकोकाई से लड़ती है। इसके बाद क्या होता है, ये पूरे ब्लड में मिल जाता है आपका, और जब ये ब्लड में मिल जाता है, अब ब्लड क्या क्या करता है, ब्लड का काम क्या है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने का काम है। बात समझ में आ रही है मेरी, कोई भी डिसीज हो रही है आपको तो एंटीबॉडीज आपकी प्रोड्यूस होती है, कुछ हद तक आपकी एंटीबॉडीज लड़ने की कोशिश करती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा है तो आपको टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इम्यून सिस्टम तगड़ा नहीं है तो भी आने के मतलब भाई आपको फिर टैबलेट्स लेने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, बहुत से मोस्टली केसेस में फीवर आ जाता है आपकी बॉडी में। फीवर क्या आता है, फीवर भी एक तरीके का आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, हर डिसीज में मत समझ लेना कि डिफेंस मैकेनिज्म है, पर नॉर्मली जो आपको वायरल फीवर्स आते हैं, और नॉर्मली एक दिन का बुखार, दो दिन का बुखार आता है, ये क्या होता है, आपकी बॉडी का एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है। आपका ब्रेन क्या करता है, बॉडी को इतना हीट करता है, यानी इतनी हीटिंग पैदा करता है, बॉडी इतनी हीट होती है, इतनी गर्म होती है, कि जो भी अंदर पैथोजेंस गए हैं, जो भी अंदर बैक्टीरिया गया है, बॉडी के हीट अप होने से क्या होता है, वो अपने आप किल हो जाता है। इसलिए क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है ना। और भी कारण होते हैं आपको फीवर आने के, पर जो मोस्ट कॉमनली जो फीवर्स होते हैं, देखना आपको सीजनल फीवर भी होते हैं लोगों को, जैसे मौसम बदला फीवर आ जाता है, बारिश का मौसम एकदम से चालू हुआ फीवर आ जाएगा, एकदम से ठंडी का मौसम हुआ फीवर आ जाएगा, एकदम से गर्मी पड़ी फीवर हो जाएगा। क्यों होता है भाई, एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज होता है, पैथोजेंस जो है, जो सूटेबल है भाई एटमॉस्फेयर के लिए, उस एटमॉस्फेयर के लिए वो पैथोजेंस एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, और उनका एग्जीक्यूटेड यानी बहुतायत में उनका एक्टिवेशन के कारण क्या होता है, आपको इन्फेक्शन होता है। और बॉडी क्या करती है भाई, अब बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर तगड़ा है तो क्या करेगी, रिस्पॉन्स देना चालू करेगी। अगर आपको फीवर हो रहा है, यानी अच्छी बात है, आपकी बॉडी क्या कर रही है, सिम्टम दे रही है ना। आपको अगर डेंगू हुआ, डेंगू का फीवर हो गया आपको, आपको मलेरिया हुआ, और अगर आपको फीवर नहीं आ रहा है तो कैसे पता चलेगा, है ना। बॉडी क्या कर रही है, सिम्टम दे रही है, रिस्पॉन्स दे रही है कि भाई मुझे कुछ हुआ है, तभी तो आपको फीवर हो रहा है। भाई मेरे बच्चे को फीवर हो गया है, मुझे फीवर हो गया है, अगर तो आप क्या डॉक्टर को दिखाने लेके जाओगे, यार डॉक्टर को बोलोगे कि सर इसको सुबह शाम फीवर आ रहा है, तेज बुखार आ रहा है, ठंड लग के बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर चलो ये सिम्टम ऐसे है, ठंड लग के बुखार तो भाई मलेरिया में आता है, चलो इसका एक मलेरिया टेस्ट करा लो, चलो इसका एक डेंगू टेस्ट करा लो, है ना। अगर निकल जाता है तो आपका फिर ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरीके से क्या करती है, बॉडी क्या करती है, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है हर समय। तो ये रिस्पॉन्स गलत नहीं होते, बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपको फीवर नहीं आएगा, आपको सिम्टम्स नहीं होंगे, तो वो तो आपके बॉडी में फिर
क्योर होने वाली स्टेज नहीं होगी ना। फिर क्योर कैसे करेंगे उसको अगर सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हैं? और मोस्टली जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं यानी एक दिन का दो दिन का बुखार, ये क्यों होता है? ताकि आपकी बॉडी हील हो जाए, वो पैथोजेंस मर जाए, है ना। और मलेरिया और डेंगू जैसे के अलग केसेस हैं, जब भी कभी पढ़ाऊंगा इसका टॉपिक अगर लूंगा तो आपको बताऊंगा कि भाई मलेरिया में क्यों फीवर आता है, डेंगू में क्यों फीवर आता है, उनके कारण अलग है भाई, है ना। उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो केमिकल्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो कि फीवर और चिल्स का कारण होता है आपकी बॉडी में, तो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेप थ्रोट क्यों होता है? स्ट्रेप थ्रोट होता है स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण। स्ट्रेप्टोकोकाई जब आपकी बॉडी में आती है, आता है बैक्टीरिया, तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, हम थोड़ा पॉइंट के बाहर चले गए थे, पर आपको जरूरी है एक एक चीज क्लियर करना तो आपको क्या चीजें समझ में आए, है ना। ऐसा अगर पढ़ाएंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में भी आपको समझ में आता है, ठीक है। तो जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, अब वो पूरे ब्लड में मिलती है एंटीबॉडीज, है ना, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरी बहती है एंटीबॉडीज। अब जब वो पूरे ब्लड में बह रही है तो इवेंचुअली अब उनको आना है किडनी के पास भी, ब्लड तो किडनी के पास भी आएगा ना फिल्टर होने के लिए। अब जब भाई ब्लड किडनी के पास आता है फिल्टर होने के लिए, तो क्योंकि एंटीबॉडीज तो बड़ी होती है, तो एंटीबॉडीज क्या आके फंस जाती है ग्लोमेरुलाई में, है ना। और एंटीबॉडीज जब ग्लोमेरुलाई में फंस जाती है तो क्या करती है, वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कारण भी करती है एंटीबॉडीज, ठीक है। वो डैमेज करने लग जाती है, यानी कोई भी इंजुरी ग्लोमेरुलाई में, कोई भी इंजरी आपके पूरे नेफ्रॉन में क्या करता है, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस करता है। अब ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस क्यों बोलते हैं भाई? हम ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस इसलिए बोलते हैं, नाम में ही छुपा हुआ है ग्लोमेरुलो, यानी भाई कोई भी इंजरी सिर्फ ग्लोमेरुलो लवाई वाले पोर्शन में ही होना, यानी ये जो गया है आपका ये एफेरेंट आर्ट्रियोल, ये एफेरेंट आर्ट्रियोल और ये बाउमेंस कैप्सूल, है ना, हमने बहुत थाउजेंड टाइम स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये होता है ग्लोमेरुलाई, या ग्लोमेरुलस। इस पोर्शन में कोई भी इंफेक्शन होना, डैमेज होना, इंजरी होना, उस टर्म को हम बोलेंगे ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, यानी भाई अब इसमें डिसीज हो गई है। तो जो भी एंटीबॉडीज सर्कुलेट होकर यहाँ पे क्या होती है, जमा होने लग जाती है, इस टर्म को बिगाड़ने लग जाती है, और डैमेज होने की वजह से क्या होता है, स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। तो इस तरीके से बहुत से कारण है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के होने के। एक होता है लूपस, लूपस में आपको बता चुका हूं, लूपस एरिथ्रोमाइटोसिस यानी कि SLE भी बोलते हैं, LEcell भी बोलते हैं, LEcell फिनोमेना में की मेरी क्लास हो चुकी है। तो ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसीज है। इसमें भी क्या हो रहे हैं भाई कि आपके जो न्यूट्रोफिल्स है वो क्या कर रहे हैं, दूसरे न्यूट्रोफिल्स को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। ऑटोइम्यून डिसीज यानी कि भाई आपकी बॉडी जब आपके खिलाफ एक्ट करने लग जाए, यानी आपकी जो बॉडी क्या हो जाए, बागी हो जाए। बोलते ना बागी, यार ये इंसान बहुत बागी है, ये तो इंस्टीट्यूट के खिलाफ ही जाता है ना, ये इस पर्टिकुलर चीज के खिलाफ ही जाता है। क्यों बागी है भाई? क्योंकि क्या ऑटोइम्यून डिसीज में क्या होती है, आपके सेल बागी हो जाते हैं, यानी आपके खिलाफ ही एक्ट करने लग जाते हैं, उसको उसमें बोलते हैं ये लूपस कंडीशन में आता है ना, जब न्यूट्रोफिल्स दूसरे न्यूट्रोफिल्स को खाने लग जाते हैं, उसका क्रोमेटिन को खराब करने लग जाते हैं, डिस्मॉर्फ करने लग जाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, इवेंचुअली ये भी आएंगे और ग्लोमेरुलाई में फंस जाएंगे आकर और उसको डैमेज करेंगे, तो ये लूपस में भी होता है। एक होता है गुड पास्चर सिंड्रोम। अब भाई गुड पास्चर जो सिंड्रोम है वो होता है आपका, ये भी एक ऑटोइम्यून डिसीज है, ये भी एक ऑटोइम्यून डिसीज है। इसमें भी क्या होते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लग जाती हैं। अब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और कहाँ कहाँ जाती है, ये आपके एक तो किडनी में आ जाती है और दूसरा आपके लंग्स में भी जाते हैं। लंग्स में और किडनी में जो आपके कोलेजन होते हैं, कोलेजन क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हर जगह पाया जाता है। अब ये कोलेजन को क्या करते हैं, डैमेज करने लग जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो आपके ग्लोमेरुलाई में या किडनी के में जो कोलेजन है प्रेजेंट है, तो गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या होते हैं, आपके जो सेल्स रहते हैं एंटीबॉडीज क्या करते हैं, कोलेजन को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। तो कोलेजन डिस्ट्रॉय होगा तो किडनी और नेफ्रॉन्स भी इवेंचुअली डिस्ट्रॉय होंगे और ग्लोमेरुलाई भी डिस्ट्रॉय होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, गुड पास्चर सिंड्रोम में आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसके कारण भी होता है। एक होता है वेजिनर्स डिसीज। क्या होता है, वेजिनर्स डिसीज। अब वेजिनर्स डिसीज क्या होता है, वेजिनर डिसीज की जो इटियोलॉजी है यानी कारण अननोन है, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, इसकी कारण जो कारण है वो अननोन है, किसी को नहीं पता भाई कि वेजिनर डिसीज किस कारण, मतलब इसके कारण क्या है होने के, पर पता है नाम भाई कि एक वेजिनर डिसीज है जिसके कारण क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है,
ठीक है, इसकी एटियोलॉजी अननोन है। एक होता है पॉली एल्टेराइटिस नोडोसा, पॉली एल्टेराइटिस नोडोसा, जो पॉली एल्टेराइटिस नोडोसा है वो होता है स्वेलन आर्टरीज, यानी कि जो आपकी आर्टरीज हैं, यानी ग्लोमेरुला में क्या होता है, जो टफ्ट बनता है वो आर्टरीज और कैपिलरीज का ही बनता है, तो उनमें स्वेलिंग आ जाना। अब उनमें स्वेलिंग होगी तो फिल्ट्रेशन का काम प्रॉपर नहीं होगा, वो डैमेज होने लग जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सारे मोस्ट कॉमन कॉज बताया हूँ अभी तो मैंने आपको, है ना, ये कॉमन ही बताया हूँ मैंने आपको। अगर आपको बड़ा लग रहा है ना तो इधर हेडिंग देख लो, मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के। डीप में तो अभी गए नहीं है बेटा, अभी हम जब डीप में जाएंगे तब बताऊंगा आपको क्या क्या चीज होती है ना। तो ये क्या थे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के, मैंने आपको बताया किस तरीके से वर्ल्ड में है ये, कि मोस्ट कॉमन है ये, मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या क्या है, ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के। अब हम देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स। हमने इसके कैसा एपिडेमियोलॉजी देख लिया, इसके मोस्ट कॉमन कॉज देख लिए, एटियोलॉजी देख लिए, अब देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स, यानी क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के। जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या है, मैंने आपको पहले भी बता रहा हूँ कि जो ग्लोमेरुलस में यानी ग्लोमेरुलाई में डैमेज होना, कोई भी इंजुरी कोई भी डैमेज ग्लोमेरुलाई में होने के कारण क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। तो इसका एक कारण क्या है, एक होता है हीमेटुरिया। क्या होता है हीमेटुरिया, अब हीमेटुरिया क्या होता है, ब्लड इन यूरिन, यानी यूरिन में क्या आने लग जाए, जब आपका ब्लड आने लग जाए, ब्लड कैसे आएगा भाई, ब्लड आएगा उसमें क्या आपके ब्लड सेल्स आने लग जाएंगे, डैमेज हो जाएगा ग्लोमेरुला, जब डैमेज हो जाता है तो डैमेज होने के कारण क्या होता है, अब डैमेज हो गया है तो पोर्स बड़े हो गए हैं, तो अब बड़े बड़े सेल्स जो कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो कि जा नहीं सकते थे बड़े साइज होने के कारण, अब वो यूरिन में आने लग जाएंगे। तो एक होता है हीमेटुरिया यानी ब्लड आना यूरिन में। अब जब यूरिन में ब्लड आने लग जाता है तो किस कलर का होता है, पिंक कलर का ब्लड यूरिन दिखती है, हल्के से पिंकिश और बोलते हैं डार्क एम्बर कलर, यानी डार्क ब्राउन, कोका कोला देखती है आपने, कोका कोला के कलर की यूरिन होने लग जाती है, उसको बोलते हैं डार्क एम्बर कलर यूरिन आने लग जाती है हीमेटुरिया में, यानी ब्लड सेल्स आने लग जाते हैं। एक होता है प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया क्या होता है, फोमी यूरिन होने लग जाती है ड्यू टू एक्सेस प्रोटीन, यानी प्रोटीन यूरिया में हीमेटुरिया में हो रहे थे हीम्स यानी आरबीसीज लॉस हो रहे थे, प्रोटीन यूरिया में हो रहे हैं प्रोटीन्स लॉस, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन जो ये बड़े बड़े प्रोटीन छोटे छोटे बड़े बड़े प्रोटीन है उनका लॉस होने लग जाना, तो होता है प्रोटीन यूरिया। जब भी देखना यूरिन में झाग ज्यादा बने आपकी तो समझ रहे, यानी प्रोटीन का लॉस हो रहा है, तो प्रोटीन यूरिया में क्या हो रहा है, फोमी यूरिन हो रही है ड्यू टू एक्सेस प्रोटीन, एक्सेस प्रोटीन होने के कारण बहुत ज्यादा झाग बनता है यूरिन के समय यूरिन में। एक होता है हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ने, इसका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, बीपी भी बढ़ जाता है, ये सब सिम्टम्स है, ये सारे कारण है जब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपको हो जाता है ना, बीपी बढ़ जाना है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक होता है इडीमा, इडीमा यानी स्वेलिंग टिश्यूज, अब क्या होता है स्वेलिंग होने लग जाती है टिश्यूज में, क्योंकि क्या होता है जब आपको आपका प्रोटीन का लॉस और इनका प्रोटीन का और ब्लड सेल्स का लॉस होने लग जाता है तो क्या फ्लूइड बढ़ने लग जाता है, और जब ये फ्लूइड बढ़ता है तो क्या होता है इसका फ्लूइड प्रेशर से निकलता है, जब प्रेशर से निकलता है फ्लूइड तो क्या होता है टिश्यूज क्या होते स्वेल होने लग जाते हैं, टिश्यूज में फ्लूइड भरने लग जाता है, अब टिश्यूज में जब फ्लूइड भर जाता है तो फेस में स्वेलिंग आ जाती है, हैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है ना, फीट में और एब्डोमेन में क्या होता है स्वेलिंग आने लग जाती है। आप देखना कि इसके कारण क्या होता है, देखना लोगों के पफी आईज रहती है, यहाँ पे देखना लोगों के स्वेलिंग रहती है आईज में, पफी रहता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है, क्यों रहता है क्योंकि यहाँ की जो टिश्यू रहती है बहुत डेंस रहती है यानी बहुत कमजोर रहती है, ढीली रहती है ना, ये मैं इनको खींच सकता हूँ ढीली है, तो ये क्या करते हैं वाटर को रोक नहीं सकते, अब यहाँ पे भरेगा क्या, यहाँ पे अगर वाटर भरेगा क्या, ये इसको यहाँ पे टिश्यू फिलअप हो सकता है क्योंकि ये क्या बहुत टाइट है ये स्ट्रक्चर, अब क्योंकि वाटर क्योंकि इनका लॉस होने लग गया है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने लग गया है, यानी कि वाटर टेंशन बढ़ गया है, वाटर टेंशन बढ़ने से क्या हो गया यहाँ पे क्या फ्लफीनेस आ जाता है, यहाँ पे क्या वाटर भर जाता है क्योंकि क्या हो गया ये जो एरिया है बहुत कमजोर है। ठीक है, इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर ये जो मोस्ट कॉमन हमने सिम्टम्स देख लिए, कॉजेस देख लिए और किस तरीके से एपिडेमियोलॉजी होती है सारी इस वीडियो में डिस्कस किया, अब ये पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में।